एक मरतबा हमने अपने हजरत से पूछा अजमा ली नदवी रहमत आल से रायपुर की खानका में आपके शेख शाह कादिर साहब रायपुरी रायपुर उनके यहाँ क्या चीज सबसे ज्यादा थी बस ये फरमाया कि अपने आप को मिटा देना सिलसिले के असरात और सिलसिले की वो नस्बतें जो मशाइ से मुंतकिल होती हैं रायपुर के सिलसिले में बहुत बड़ी चीज़ जो उनमें एक एक फ़र्द में मुंतकिल हो गई थी वो यही थी कि अपने आप को मिटा दे इसलिए फिर हज़रत रहमत इसकी तशरीफ़ फरमाई थोड़ी सी ख़ामोश हो गई इस सवाल जवाब के बाद काफ़ी देर और फिर फरमाया कि रायपुर में हज़रत की मछली सोती थी और कोई आदमी आके सवाल पूछता था तो हज़रत रहमत ला जो मुफ्ती हजरत होते थे उनकी तरफ़ फरमाते थे कि इनसे पूछो और तसव्वुफ की कोई बात होती थी कोई पूछता था तो शेख तशीफ़ फरमा होते थे फरमाते थे तसव्वुफ की बातें इनसे पूछो फिर फरमाया एक मरतबा ये हुआ कि रावलपिंडी आना हुआ और कोनूर मिल यहाँ पे असर की नमाज के बाद बहुत वसी ान था और कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर पिंडी के और बड़े बड़े लोग हज़रत रहमत की खिदमत में हाज़िर हुए और सब खामोश बैठे हुए थे और मेरे दिल में यह आया कि हज़रत कुछ बात करें लोगों को एहसास हो उनके मरतबत का लोगों को पता हो चले कि कितने बड़े शहर तो इतने में किसी ने पूछा कि हजरत से कि सब्र क्या चीज़ है तो हजरत ने मेरी तरफ़ इशारा फरमाया कि इनसे पूछो तो मैंने कहा हज़रत मुझे तो अरबी ज़ुबान में सब्र के जो मानी लुगत में बनते हैं डिक्शनरी में उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता तो बर्जिस्त फरमाया कि मुझे तो वो भी नहीं आते अल्लाह की याद ने इतना फना कर दिया था कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था अल्लाह के सामने उस हजूरी की कैफियत की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शोहरत हुई ना हुई तमन्ना ही नहीं वो जानते ही नहीं थे इस चीज़ को किसे कहते क्या आए शोहरत को हमेशा उन लोगों का तस्करा करते थे जिनके मुजाहिदों ने इस हद तक पहुंचाया कि बात की मकबूलियत और मर्जा जो था वो हकीकत में उस इब्तदाई मुजाहिदे की बरकत थी